राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर प्रेम नमस्कार। पिछले कल लगभग 15 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ एक गीत के माध्यम से आया था। जब से शुरू किया है, शायद लगभग 2.5-3 साल होने लगे हैं कि राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से ऐसे असंख्य अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को आपके सामने जो क्रम मैंने शुरू किया था, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि 15 दिन का गैप आया। प्रवास में कभी मैं 2-4 दिन का समय ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कल भी बताया था कि डेंगू महाराज जी की कृपा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो अभी कल एक गीत के माध्यम से, वो शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक तरह से रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तो ठीक थी, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पिक्चराइजेशन में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी कर रही है। और अब मैं अपने पुराने उसी रूम में आ गया हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन मैं प्रवास नहीं भी कर पाऊँगा, तो भी ये सिलसिला बराबर उन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता और जिनको कोई इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया, ऐसे सब लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करने का क्रम आज से फिर मैं रेगुलर कर रहा हूँ। आज भी ऐसे ही कुछ नाम आएंगे जिनको कोई नहीं जानता। हिजली गोली कांड के अत्याचारों का बदला लेने के लिए, हिजली गोली कांड सबके ध्यान में होगा, कई बार मैं इन एपिसोड्स के अंदर दे चुका हूँ कि वो पुलिस ने, 75 पुलिस वालों ने मिलके हिजली जेल के अंदर एक दिन किसी क्रांतिकारी की किसी पुलिस वाले से कहा सुनी हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि 75 पुलिस वालों ने आकर के जेल को पूरी तरह से घेर करके अंधाधुंध गोलियां चलाई, बहुत लोग बलिदान हुए, बहुत लोग जख्मी हुए, घायल हुए। हाँ, वो हिजली गोली कांड का जो अत्याचार हुआ था, उसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। डर गए जी, उन्होंने डरा दिया तो डर गए, नहीं मुकाबला करेंगे, इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है तो इसका बदला भी लेंगे, कोई उत्साह में कमी नहीं थी। उनके कुछ साथी डाक के थैलों की लूट में गिरफ्तार किए जा चुके थे, ये वो कई एपिसोड्स के अंदर आया है कि ककोरी कांड से भी पहले आखिर पैसा कहाँ से आएगा, शस्त्र कहाँ से आएंगे। तो एक ढंग क्रांतिकारियों ने अपनाया था कि डाकखानों में कुछ ना कुछ पैसा आता है, वो दूसरी जगह जाता है, शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, रेलवे से होता है, गाड़ी से होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ लूट की जाए, वहाँ डाका डाला जाए और देश के लिए जो सशस्त्र संघर्ष करना है उसके लिए ये सब करने का प्रयास चल रहा था। तो कुछ साथी डाक के थैलों की लूट में गिरफ्तार किए जा चुके थे, उन्होंने उस समय के लिए, क्रांतिकारियों ने डाकखानों को ही लूटने का अपने आक्रोश का केंद्र बना लिया था कि डाकखाने को लूटने का ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। 13 अक्टूबर 1931 को क्रांतिकारियों के एक दल ने बड़ी तैयारी और सूझबूझ के साथ ढाका के डाकखाने पर,
ढाका के डाकखाने पर आक्रमण कर दिया और 24,000 रुपए लूट लिए। उस समय के 24,000 आज कितने करोड़ के बराबर होंगे आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन शस्त्र खरीदने हैं तो वो भी इतने महंगे नहीं होंगे, और या 24,000 के मुकाबले में वो भी कुछ रुपयों में या कुछ सैकड़ों में कुछ ऐसे मिलते होंगे, प्रबंध करते होंगे। लेकिन 24,000 एक अच्छा अमाउंट था, और 24,000 तो लूट लिए, लेकिन इस आक्रमण से डाकखाने के कुछ कर्मचारी भी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने अब आक्रोश में, गुस्से में, क्रोध में एक्टिव होना ही था, स्वाभाविक था। पुलिस और क्रांतिकारियों की आंख मिचौली तो चली रही थी, चलनी ही थी, इसके बिना बात नहीं बनती। तो इसके बाद बंगेश्वर राय और विनय बोस नाम के दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगेश्वर राय और विनय बोस, इन क्रांतिकारियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। इसी प्रकार 14 अक्टूबर को तांती बाजार की लूट में, तांती बाजार की लूट के संबंध में सचेंद्र सरकार और कृष्णपद बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 अक्टूबर 1931 को दो हरकारे, वो जो डाक के थैले ले जाने वाले, दो हरकारे डाक के थैले लेकर शाहपुर की ओर चले, तो उचित समय उचित अवसर पाकर क्रांतिकारी नटवर कुंदू, कन्हैयालाल विश्वास और सैयद अली ने उन पर आक्रमण कर दिया, उन दो हरकारों पर, और डाक के थैले लेकर भाग गए। इस डाक की लूट में भी क्रांतिकारियों को 1600 रुपए मिले, पहले वाले में 24,000 और अब की बात 1600 रुपए। लेकिन पकड़े जाने पर उन पर भी मुकदमे चले, परिणाम स्वरूप नटवर कुंदू को 9 वर्ष, कन्हैयालाल विश्वास और सैयद अली को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। मुझे जो आपके सामने बात लानी है, ये कितने नाम आज मैंने आपके सामने, नटवर कुंदू, कन्हैयालाल विश्वास, सैयद अली, ऐसे और भी कई नाम आपके सामने आए हैं, कितना कितना कठोर कारावास का दंड मिला और ये लोग क्या संघर्ष कर रहे थे। इतना सब स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले, जान हथेली पर रख के चलने वाले, फांसी के तख्ते पर झूल जाने वाले, जेलों की लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ने वाले, सेलुलर जेल, अंडेमान की काला पानी की नारकीय, घोर नारकीय, उससे भी भयंकर, वहीं पर 90% क्रांतिकारी मर खप जाने वाले, बलिदान हो जाने वाले, जिन लोगों के कारण, जिन चुनौतियों को अंग्रेजों के सामने पेश किया, जिन बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारियों ने, क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, उनका कहीं नाम नहीं। यही ऐसे ही नाम मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब नाम हम चाहेंगे कि ये नाम, दायित्व है हमारा कि ये नाम अमर हों। इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की प्रतंत्रता की बीड़ियों को काटने के लिए अपना जो सर्वस्व निशावर किया, ऐसे
अज्ञात नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, बहुत लंबा प्रयास होगा, ये बड़ी लंबी श्रृंखला होगी, सिमिक राजा दायर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1200 साल का ये कालखंड, हो सकेगा तो और पीछे जाके, लेकिन ये 1200 साल में 2250 कम से कम ऐसे अज्ञात महान क्रांतिवीरों को शौर्य और वीरता के कमाल के नए इतिहास अध्याय लिखने वालों को आपके सामने लाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।